रुक जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी शादी की इजाज़त, तीसरी चौथी शादी तक की इजाज़त दी है मर्द हजरात को, तो मालिक का हुक्म है। मैं तो इस पर मतलब इस पर तनकीद करना तो बहुत दूर की बात, मैं तो इसको ममानियत के हवाले से, मना करने के हवाले से तो बहुत दूर की बात, मैं तो इसके बारे में कुछ बात भी नहीं कर सकती। और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हस्बैंड को, हालांकि मेरी कोई इसमें कोई वर्थ है नहीं कि मैं उसको इजाज़त दूँ या ना दूँ, उसको अल्लाह ने इजाज़त दी हुई है तो उदाह लमाए, बट फिर भी मैंने अपने हस्बैंड से कहा हुआ है कि अगर अब कभी भी आपको ये लगे कि आपको दूसरी शादी करनी चाहिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बगैर ये सोचे समझे कि मुझे कोई परेशानी होगी या मुझे कोई तकलीफ होगी। ऑब्वियसली बहैसियत एक औरत, और जो अपने खावन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती हो, मेरे जैसी कोई औरत हो, तो वो जब शेयरिंग वाला हिस्सा आता है तो वो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऑब्वियसली एक वो वाला सिचुएशन, तो क्योंकि अगर कोई औरत ये कहेगी कि नहीं नहीं जी नहीं मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है और मेरी कोई वर्थ नहीं है कि मैं अपने शौहर को मना कर सकूँ, तो मैंने उसको बड़ा क्लियर किया हुआ है कि आप जब चाहें आप कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो जो मासी के बारे में मैंने आपको बताया कि उसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स हैं।